नमस्कार, मैं राजकमल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, आज से ठीक एक महीना बाद नवरात्र शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि नवरात्र जो है वो हिंदुओं के लिए खास त्यौहार है। इस दिन पूरे देश भर में धूमधाम से 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली ये नवरात्रि 24 अक्टूबर को ही खत्म हो जाएगी। वजह है मलमास। लेकिन आज हम आपको इस खबर में जो बताने वाले हैं वो है दुर्गा पूजा से संबंधित कुछ नियम। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा से पहले पटना प्रशासन अलर्ट है। इससे पहले आपको कितना ऊंचा पंडाल रखना है, कितना लंबा पंडाल रखना है, किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, इसको लेकर पटना प्रशासन एक सूचना जारी की है। सूचना क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दशहरा में माँ दुर्गा की मूर्ति की ऊंचाई 20 फीट से अधिक और पंडाल की ऊंचाई 40 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। मूर्ति के ऊपरी ढांचे की ऊंचाई भी 40 फुट से कम होनी चाहिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने दुर्गा पूजा पर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए 2021 में बनी नियमावली के अनुसार 12 निर्देश दिए हैं। प्रत्येक पूजा समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मूर्तियों को प्राकृतिक सामग्री जैसे मिट्टी, बांस आदि से बनाया जाएगा। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं करना है। फूल, कागज और प्लास्टिक से बनी सजावटी सामग्री को मूर्तियों के विसर्जन से पहले हटाना होगा। पूजा समितियों को जिला प्रशासन या संबंधित विभाग को अनिवार्य रूप से घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि मूर्तियों के निर्माण और ऊपरी संरचना को खड़ा करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस और पारा कमेडियम, आर्सेनिक, शीशा और क्रोमियम जैसे जहरीली भारी धातुओं वाले कृत्रिम रंग का उपयोग नहीं किया गया है। विसर्जन के समय मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसका पालन करना सभी पूजा कमेटियों का ये धर्म है। कृत्रिम तालाबों में ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। आपको बता दें कि जो जिला प्रशासन है वो सभी पूजा समितियों को अलर्ट की है कि आप जिस तरीके से पूजा कीजिएगा उस हिसाब से आपको नियमों का पालन भी करना है। आपको किसी भी तालाब या घाट में मूर्ति विसर्जन नहीं करना है। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। इन तालाबों का जो संबंध है वो नदियों से नहीं होता है, यानी कि इसमें जो भी आप अपशिष्ट पदार्थ या फिर मूर्ति विसर्जन कीजिएगा वो इसी में रह जाएगा। इससे नदियों में प्रदूषण नहीं फैलेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी पूजा समितियों को सख्त किया है कि आपको कृत्रिम तालाबों में ही मूर्तियों का विसर्जन करना है। आपको बता दें कि कृत्रिम तालाबों में ही मूर्तियों का विसर्जन, क्षेत्र के अनुसार मूर्तियों के विसर्जन के लिए पर्याप्त कृत्रिम तालाब का निर्माण कर पूजा समितियों को इनके साथ टैग या चिन्हित किया जाएगा। मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया के दौरान विसर्जन स्थल पर ठोस कचरा जैसे फूल, कपड़ा, सजावट सामग्री आदि को जलाने पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगेगा। आपको बता दें कि यदि कोई पूजा समिति नियमों का पालन नहीं करती है तो जिला प्रशासन या संबंधित विभाग उससे क्षतिपूर्ति की राशि वसूल सकता है। पंचायत क्षेत्र में स्थित पूजा समिति के मामले में 5,000 रुपये और नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के क्षेत्र में स्थित पूजा समिति के मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि पर्यावरण विभाग का जो ये निर्देश है, पटना जिला प्रशासन का जो ये निर्देश है, इसकी सख्त पालन करनी होगी। अगर आप भी अपने यहाँ मूर्ति रखते हैं, पंडाल बनाते हैं, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 20 फीट और पंडाल की जो ऊंचाई है वो 40 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आप कहीं भी मूर्तियों का विसर्जन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप कृत्रिम तालाब का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल आगे की अपडेट के लिए बने रहे मीडिया दर्शन।